जय हिंद दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं चंद्रा क्लासेस प्रयागराज के इस प्लेटफॉर्म पे। और चलिए आज का हम लोग फिर करंट बिहार स्पेशल करंट हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे मन से। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बात किया था कि अभी हाल ही में हम लोगों ने बिहार सुपर टेट का जो सिलेबस है उसको देखते हुए हमने अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दिया हुआ है। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग जुड़िए और बिल्कुल तैयारी में आप लोग लग जाइए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं, ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे आप लोग जाएंगे तो एप्लीकेशन पे आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे गूगल प्ले स्टोर से जाके सीधे सीधे आपको प्ले स्टोर से चंद्रा क्लासेस टाइप करना है, चंद्रा क्लासेस प्रयागराज आपको टाइप करना है। और प्रयागराज टाइप करने के बाद आपको यही लोगो मिलेगा, तीन सी बना हुआ का लोगो मिलेगा, ठीक है। और आप इसी लोगो को देख के आप तुरंत उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करें और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के पश्चात आप लोग क्या करें, वहाँ पे बिहार सुपर टेट का बिहार शिक्षक भर्ती या सुपर टेट लिखा होगा उस पे आप लोग क्लिक करें और उसके कोर्स को आप परचेस करें। परचेस में आप हमारा सत्येंद्र H23 आप लोग डालें, ठीक है, कोड जो कि आपका है। और तत्पश्चात आपको जो फीस रखी गई है, जो कि यहाँ बहुत मिनिमल फीस रखी गई है, 2500 रखी गई है फीस, लेकिन आपको जब कूपन कोड डालते हैं दोस्तों तो आपको मिलेगा मात्र ही कोर्स आपको 1500 में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस बैच को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में परचेस करें, देखें। तो चलिए, जैसा कि हमने कल चर्चा किया था, कल हमने आपका बिहार करंट के बारे में चर्चा किया था, बिहार करंट अफेयर्स के हमने चर्चा किया था। तो बिहार करंट अफेयर्स में हमने देखा था कुछ योजनाओं को देखा था। आप लोग क्या करिए कि जितनी भी करंट में आपको पढ़ा रहा हूँ तो करंट में सारी के सारी चीज़ें तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको सारी चीज़ें नहीं करनी है। जितना चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ आप उतना ही करें, इसके सिवा आप लोग दूसरा करने का प्रयास ना करें। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का हम लोग फिर से एक बार मैप देख लेंगे दोस्तों। मैपिंग देखने से एक बार आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं मेरे ख्याल से, तो मैपिंग भी ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा पश्चिमी चंपारण है, इसके बाद गोपालगंज, सिवान, बक्सर, ठीक है, कैमूर। अगर हम लोग साउथ में आते हैं तो हमारा ये बंका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद। और गया हमारा सबसे एक तरह का साउथ में पड़ता है, ठीक है। इसके तत्पश्चात अगर हम लोग आगे चलेंगे दोस्तों, अगर हम लोग पूर्वी दिशा में जाएँ तो ये हमारा किशनगंज है, ठीक है, किशनगंज आ जाता है, किशनगंज, कटिहार, ठीक है, उसके बाद भागलपुर, बंका, ये हमारे पूर्वी जिलों में आ जाते हैं। और अगर नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ में हमने आपको पश्चिमी चंपारण के बारे में पहले बता दिया, तो ये आपका बिहार का ठीक है मैप है। चूँकि दोस्तों हमारे टॉपिक में क्या हमारा बिहार का भूगोल भी है, मतलब ज्योग्राफी भी है, तो ऑलरेडी यहाँ से प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाने की संभावना है। तो हमें हर एक एंगल से लेके चलना होगा, भूगोल हो, इतिहास हो, जो भी चीज़ें हो उसको मैप के साथ लेके चलना होगा, प्लस आपके पर्यावरण भी है वहाँ पे। तो चलिए आज की करंट को हम लोग देखते हैं सॉरी। और आज के करंट में जो चर्चा की गई है, पहला पॉइंट है आपका बिहार राज्य विश्वविद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिकता कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 लागू की गई है। हाल ही में बिहार बेसिक शिक्षा ने क्या किया हुआ है, अपना अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र, ठीक है, उसके बाद जो भी अनुशासनिक कार्रवाइयाँ होती है उसके लिए नियमावली 2023 जारी किया हुआ है। आपको अच्छे से पता है कि बिहार के शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए, जो कि वहाँ नियोजित शिक्षक थे और नियोजित शिक्षकों की जो नियुक्ति होती थी, अब उसके तत्पश्चात अब वहाँ राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा शिक्षकों को। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इसमें देखते हैं दोस्तों कि इसमें किस चीज़ की चर्चा की गई है, आखिर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो 10 अप्रैल 2023 को बिहार
कैबिनेट ने बिहार राज्य विधानसभा विधान अध्यापक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनता नियमावली 2023 को स्वीकृति दी। इसके साथ ही पुराने धर्रे पर नियुक्तियाँ कर रही इकाइयाँ भंग कर दी गई। मतलब पहले जो अपॉइंटमेंट होता था पंचायतों के द्वारा, समूहों के द्वारा, ठीक है, उसको सीधे सीधे भंग कर दिया गया। अब जो भी नियुक्तियाँ होंगी उसके लिए अपना एक अलग क्राइटेरिया देते हैं, जिसके तहत इस बार बिहार में शिक्षकों की भर्ती कराई जा रही है, ठीक है। सॉरी, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो कि पुराने धरने पर चल रही थी उसको पूर्णतः बंद कर दिया गया है, अब उसके लिए नई नियुक्तियों का प्रावधान किया गया है। इसमें मेन पॉइंट क्या है, दोस्तों, बिहार राज्य सरकार ने क्या किया, शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली, आप लोगों ने सुना भी होगा कि इस नियमावली का जो नई एजुकेशन पॉलिसी नियमावली आई है बिहार में, उसका बहुत जमकर विरोध हुआ है। आपके नियोजित शिक्षक और कई सारे गुटों के द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है कि यह नियमावली पूर्णतः रद्द है, ठीक है। यानी कहने का मेरा मतलब साफ साफ है कि जो गवर्नमेंट चाहती है कि हम जो भी नियुक्तियाँ करें उसको अब सिस्टमेटिक रूप में करें, एक परीक्षा के माध्यम से करें, जिससे क्या हो, योग्य शिक्षक हमारे विद्यालयों में आए और बच्चों में क्या हो, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम किया जाए। ऐसा बिहार गवर्नमेंट का सोचने वाले कहने का मतलब बात है। अब बात करते हैं सेवंथ फेज की नियुक्ति होने वाली नियुक्तियाँ, जो जिसके तहत आप लोग तैयारी करने के लिए यहाँ पे आए हैं, आ रहे हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, उसकी बात की गई है इसमें। जो सेवंथ फेज किसकी दोस्तों, सेवंथ फेज की जो नियुक्तियाँ हैं उसकी चर्चा इसमें की गई है। नियमावली प्रभावी होगी, अब शिक्षक राज्य कर्मी कहलाएंगे। अब जो शिक्षक सेवंथ फेज का एग्ज़ाम पास करके जाएंगे दोस्तों, वो क्या कहलाएंगे, अब राज्य कर्मी कहलाएंगे। और बाकी जो चीज़ें इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि अब राज्य कर्मी का दर्जा बनने के लिए हमें क्या करना होगा, बीपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी, अर्थात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित परीक्षा पास करनी होगी। उस परीक्षा में एक चीज़ और बात की गई है दोस्तों, 1 से 5 के लिए, 1 to 5 के लिए जो पेपर का लेवल होगा 10वीं से 12वीं का होगा, 10 to 12 लेवल का पेपर आपसे पूछा जाएगा। कहने का मतलब भी, अगर आप प्राथमिक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पेपर का जो स्तर होगा वो होगा आपका दोस्तों कितना, 10वीं से 12वीं तक का जो भी जीएस है, मैथमेटिक्स है, इतना आपसे अनुमान किया जाता है, उम्मीद की जाती है कि आपको कम से कम उतना चीज़ आ रहा होगा। तो ऐसा इसमें कहा गया है इसमें, और सीधे सीधा बात समझिए इसमें कि जो नई नियमावली है उसी के संदर्भ में यहाँ पे बात की गई है। चलिए हम लोग अगले की तरफ चलते हैं। इसमें एक बात और पॉइंट रखिएगा, एक पॉइंट और, मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के एजेंडे पर मोहर लगा दी है, अर्थात और राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर 38% और 42% कर दिया गया। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो राज्यकर्मी है, राज्यकर्मियों का जो महंगाई भत्ता, ठीक है, अर्थात जो डियरनेस अलाउंस है वो कितने परसेंट हो चुका है, तो आप लोग 38 to 42% का जो आप लोग चर्चा करेंगे, याद रखिएगा, 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगा। ये कब से लागू हो जाएगा, 1 जनवरी 2023 से, और 1 जनवरी 2023 के प्रभावी महंगाई भत्ता अर्थात डी ए लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ राज्यकर्मियों के साथ पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा, अर्थात जो पेंशनर्स हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा। तो ऐसा बिहार कैबिनेट ने बातें की है अपने इस नियमावली में। और इसके साथ साथ बिहार कैबिनेट ने जो आकस्मिक निधि, जो अचानक से जैसे मान के चलिए कोई डिजास्टर आ गया राज्य में, उसके लिए फंड रखा जाता है कि अगर अचानक से कोई विपदा आ जाती है तो राज्य सरकार को केंद्र का मुंह ना देखना पड़े और राज्य सरकार अपने आप में उस चीज़ को निपटने में अपने आप में काबिल हो। आकस्मिक निधि को 300 करोड़ से बढ़ाकर इस वित्तीय वर्ष के लिए 10,000 करोड़ कर दिया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ये लिखना है कि जो आकस्मिक निधि उसमें कितना फंड रखा गया है, तो 300 से बढ़ाकर कितना 10,000 करोड़ रखने की बात इसमें की गई है। सेकंड, डीए के बारे में हमने आपसे चर्चा कर ली, अब चलिए हम लोग अगले की तरफ चलते हैं। और अगला करंट है हमारा, बिहार को केंद्रीय कोटे से मिलेगी गरीब 9000 मेगावाट, करीब 9000 मेगावाट की बिजली। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, करीब 9000 मेगावाट की बिजली एक ही में लिख दिया गया है, अर्थात जो केंद्रीय कोटे से जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, 9000 मेगावाट
कि बिजली दिया जाएगा बिहार सरकार को। अब देखिए कि जो बिजली यहाँ पे दी जाएगी इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होगा और इससे बिहार में कितनी उन्नति देखी जा सकती है। 11 अप्रैल 2023 को मीडिया सूत्रों से पता चला, अर्थात मीडिया के थ्रू ये PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा यह पता चला है, बिहार को 24 तक केंद्रीय कोटे से 2024 तक केंद्रीय कोटे से लगभग 9000 मेगावाट बिजली मिलेगी। इसको तो आप पॉइंट लिख लीजिएगा, पहला पॉइंट कितना मिलेगा, 9000 मेगावाट की बिजली उनको दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम चर्चा करें दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोग चर्चा करें तो और किस बात की चर्चा की गई इसमें, वर्तमान में एनटीपीसी की विभिन्न इकाइयों द्वारा, कई सारे यूनिट द्वारा बिहार को क्या किया जाता है, राज्य को लगभग 6560 मेगावाट बिजली का आवंटन किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। कहने का मतलब इस समय वर्तमान में कितना दिया जाता है दोस्तों, एनटीपीसी द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा, एनटीपीसी द्वारा लगभग 6560 मेगावाट बिजली का आवंटन किया जाता है। ठीक, राज्य की बिजली कंपनियों ने अगले एक से डेढ़ वर्षों में एनटीपीसी बाढ़ की 2 यूनिट झारखंड के नॉर्थ कर्णपुरा की 1 यूनिट और बक्सर की 2 थर्मल पावर यूनिटों के से करीब 1998 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का आवंटन अनुमान लगाया गया है। कहने का मतलब साफ साफ ये है, एनटीपीसी के अतिरिक्त जो आपका एक तो आपका पॉइंट पास निकल रहा झारखंड के नॉर्थ कर्णपुर से, वहाँ से भी कुछ हमें एक वहाँ का जो एक यूनिट है वहाँ से भी हमें कुछ बिजली मिलने की शंका है, मतलब अनुमान लगाया गया है। और आपका बक्सर, बलिया के पास में बक्सर जिला है, तो बक्सर से 2 थर्मल पावर यूनिट है दोस्तों लगभग, उनसे 1998 मेगावाट अतिरिक्त एक्स्ट्रा बिजली मिलने की संभावना है। और यही रीज़न है, इसी के तहत इसमें कहा गया है कि अब लगभग में बिहार को 9000 बिजली मिलने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ हम लोग आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारा, इसके साथ थोड़ा सा इसमें भी देख लें हम लोग, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा ब्रेडा की नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में से करीब 760 मेगावाट बिजली मिलने का अनुमान है। कितना दोस्तों, लगभग 760। ये देखिए सोलर एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है और आज देखिए हमारा सोलर एनर्जी कितना आगे बढ़ रहा है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। ठीक है, और सोलर एनर्जी कहीं ना कहीं एक रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसको हम लोग जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक हिस्सा अर्थात सतत विकास का एक हिस्सा मान सकते हैं, बहुत बड़ा, क्योंकि इसका हम लोग यूज़ तो करते हैं लेकिन इससे हमारा कोई पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचती है, बिल्कुल नेचुरल है ये। तो यहाँ पर बात की गई कि उससे हमें जो बिजली मिलेगी लगभग कितना, 760 मेगावाट मिलने का अनुमान बताया गया है। और इसके साथ ऐसे बिहार को मिलने वाली बिजली की उत्पादन क्षमता, यानी कि कुल देखा जाए, ठीक है, बक्सर का देख लें, कर्णपुर का देख लें, वहाँ से 1998 मिला, यहाँ से लगभग 760 मिलेगा, तो पूरा अगर देखा जाए अप्रॉक्सीमेटली तो लगभग 9000 मेगावाट बिजली बिहार को मिल सकती है, ऐसा कहा गया है इस रिपोर्ट में। तो इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ी बात होगी कि बिहार में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में औद्योगिकरण को भी बढ़ावा जा सकता है, क्योंकि जब लाइट रहेगी तभी हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं और किसी उद्योग को लगाने की बात हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है, इसमें बहुत डीप नहीं जाना हम लोगों को, बहुत हमें डीप नहीं जाना, सिर्फ आप लोग उतना ही याद रखिएगा। इसके साथ कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमारे टाइपराइटर पंधु से, के तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सड़क और पुल का होगा निर्माण, किसके तहत, कोसी बेसिन विकास, ये नाम आप याद रखिएगा, कोसी, ये सरो ऑफ बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि नदी ऐसी है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये नदी ऐसी है, जैसे मान के चलिए कोई ट्रैवल करिए अपने अपवाह तंत्र पे, अपने एक लाइन पे चल रही है, जैसे इसमें पानी हुआ, इसका जब जल स्तर बढ़ा,
जैसे ही इसका जल स्तर बढ़ा दोस्तों, ठीक, इधर भी मूव कर लेती, इधर भी मूव कर लेगी, इधर भी मूव कर लेगी, ठीक है। मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ पर जा सकती है, जैसे इसका जल स्तर बढ़ा तो किधर भी मूव कर लेती, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। तो इतनी बात समझ लीजिए यहाँ पे, इसमें साफ साफ किस बात की चर्चा की गई है, इसमें इसी बात की चर्चा की गई है कि कोसी नदी, कोसी बेसिन के तहत जो ड्रेनेज सिस्टम होगा, कोसी का जो ड्रेनेज सिस्टम होगा उसके तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण बनाने की काम किया जाएगा। इस पॉइंट को आपको नोट करना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। चर्चा में क्यों है, क्योंकि 11 अप्रैल अभी हाल ही की चर्चा है और सारा का सारा बिहार का करंट अफेयर्स को पॉइंट में रख के मैं पढ़ा रहा हूँ। बिहार में जो अभी हाल ही में घटनाएं घटी हुई हैं उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। 11 अप्रैल 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 कहाँ पे दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोसी के बाढ़ प्रभावित लोगों के जीवन स्तर को सुदृढ़ बनाने के लिए 277 करोड़ रुपए की, ये पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। आखिर में ये जो योजना है दोस्तों, इसमें कितने का धन आवंटन किया गया है, 277 करोड़ रुपए का धन आवंटन किया गया है इस योजना के तहत, ठीक है। कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत पुल और पुलिया का निर्माण किया जाएगा। सीधे सीधे बात आपको ऐसे प्रश्न पूछेगा कि कोसी विकास प्राधिकरण के तहत या परियोजना के तहत भारत बिहार सरकार ने कितने का बजट या कितने का फंड आवंटन किया है, तो आप लोग याद रखिएगा 277 करोड़ का आवंटन किया हुआ है। अब बात करते हैं इसमें कि जो आवंटन हुआ है दोस्तों कहां से आया है, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लें। जैसा कि वर्ल्ड बैंक ठीक है, कोसी पुनर्वास योजना के दूसरे चरण का कार्य मार्च 2023 में पूरा होना था, लेकिन 72% ही काम अभी तक हुआ, ठीक है, जिस कारण से कोसी पुनर्वास योजना के दूसरे चरण के कार्य को 15 महीने का विस्तार दिया गया है और इस योजना को जून 2024 तक पूरा किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस योजना को जो पहला चरण था दोस्तों, उस पहले चरण में एक बात की गई थी जिसमें 2023 तक ही काम को पूरा कंप्लीट करना था, लेकिन मात्र 72% ही काम कंप्लीट हो पाया, जिसके वजह से इसका जो टाइम था वो बढ़ा दिया गया। और जो टाइम बढ़ाया गया दोस्तों, टाइम जो बढ़ाया गया है आपका, वो कितना देर बढ़ाया गया है, वो बढ़ाया गया आपका 15 महीने तक बढ़ा दिया गया, ताकि आपको 2024 तक अर्थात जून 2024 तक आप अपने पूरे काम को ख़त्म कर दें। इसके बाद राज्य सरकार ने कुशहात तबाही के बाद कोसी के पुनर्वास पुनर्निर्माण की योजना बनाई है, इसके तहत कोसी क्षेत्र और इतना पॉइंट आपको इसमें से क्या लिखना है, पूरा नहीं लिखना है आपको, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, लेक्चर सुन लीजिए। और इसमें से ये फंड कितना जारी हुआ, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट था कि प्रथम जो योजना थी, प्रथम जो टाइम पीरियड था उसके लिए कितना समय दिया गया, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ आगे देखते हैं, यहाँ के लोगों को त्रासदी से बाहर निकालने और विकास के लिए विश्व बैंक ने 67% और बिहार सरकार ने, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो कोसी परियोजना है दोस्तों, उसमें जो अगर मान के चलिए पूरा 100% फंड है, तो 100% में डब्ल्यू बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक ने कितना दिया, 67% आपका फंड जारी किया। इसके साथ साथ बिहार सरकार ने कितना किया, बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने कितना फंड जारी किया, 33% फंड जारी किया इसको पुल और जो भी बांध वगैरह हैं, सड़कें हैं, उसको बनाने में ये फंडिंग यहाँ से आई है, लगभग कितना 67%। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछेंगे, बहुत डीपली नहीं आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपने क्या देखा कि वर्ल्ड बैंक का आपका 67% है और 33% अर्थात 33% बिहार सरकार का इसमें भागीदारी है। आगे देखते हैं इसमें किस बात की चर्चा की गई है। और इस योजना के पहले चरण के अंतर्गत विश्व बैंक की मदद से 15 सितंबर 2010 को बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ से आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ लेंगे, जिसके तहत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के 21 प्रखंडों में 31 दिसंबर 2018 को विकास कार्य समाप्त हो चुके हैं। कहने का मतलब साफ साफ ये था कि ये जो योजना है, योजना आज की नहीं है, नई नहीं है, ये 2015 सितंबर 2010 से चल रही है, जिसमें कि
जिसमें कि लगभग इन क्षेत्रों को, जैसे हमने बात सहरसा बात किया, सुपौल बात किया, ठीक है, उसके बाद मधेपुरा के 21 प्रखंड जो आपका सब डिवीज़न है, जो ब्लॉक है, उनको भी 2018 में ही पूरा कर लिया गया था। आगे चर्चा करें दोस्तों, आगे चर्चा करें तो इसमें बहुत ही अब डीपली हमें नहीं जाना है, बस आप लोग इतना रखिएगा, आप लोगों से जो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, सिर्फ इतना ही पूछा जा रहा है कि जो फंड जारी किया गया है कितना जारी किया गया, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, आगे ज़्यादा इसमें नहीं जाना है हमें। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं अगले करंट की तरफ, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में टॉप 5 जिलों में शेखपुरा पहले और पूर्णिया दूसरे स्थान पर है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए, एजुकेशन के एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए दोस्तों, तो बिहार के 2 जिले टॉप 5 जो जिले हैं उसमें से फर्स्ट प्राइज पे है, फर्स्ट प्लेस पे है हमारा शेखपुरा, खाकी द बिहार चैप्टर्स आप लोग जरूर देखिए, और सेकंड है हमारा पूर्णिया, सेकंड प्लेस पे पूर्णिया जिला है आपका बिहार का टॉप 5 में। अब बात करते हैं चर्चा में क्यों है ये। 13 अप्रैल 2023 अभी हाल ही में है, मीडिया के अकॉर्डिंग, मीडिया के अनुसार जो न्यूज़ आई, नीति आयोग द्वारा जारी, किसके द्वारा, ये पॉइंट याद रखिएगा, आकांक्षी जिलों नीति आयोग द्वारा जारी, नेशनल नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, कौन होते हैं हमारे नीति आयोग के जो दोस्तों अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री होते हैं अर्थात पीएम होते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, एक जीएस के सेक्शन में आपसे पूछा जा सकता है। डेल्टा रेटिंग में शिक्षा सेगमेंट्स में देश के टॉप 5 जिलों में, बिहार के शेखपुरा जिला पहले और पूर्णिया दूसरे स्थान पे है, मतलब बात करेंगे तो पूरे भारत की रैंकिंग की गई थी टॉप 5 जिलों में, तो उसमें से बिहार के 2 जिलों का नाम आया है। इसके साथ साथ हम बात करें तो जिलों की लिस्ट में दोस्तों बिहार और झारखंड के जिलों के नाम ज़्यादा रहे हैं इसमें, झारखंड के गिरिडीह, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम क्रमशः तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर रहे, ये भी याद रखिएगा। झारखंड के लिए भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमने क्या देखा कि झारखंड के 3 जिले अर्थात बिहार के स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड शेखपुरा और पूर्णिया, तीसरे स्थान पर रहे हमारे कौन, देखेंगे आप लोग, गिरिडीह, बोकारो, जहाँ बोकारो स्टील प्लांट है हमारा, और पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, ये भी 3 जो जिले हैं तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पे काबिज रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपका अनुमान लोग याद रखेगा, इतना ही सब आपको पढ़ना है, इसमें बहुत डीपली हमें नहीं जाना है। 2 चीज़ याद रखना है कि ये जो रैंकिंग की गई है दोस्तों किसके द्वारा की गई है, तो नीति आयोग के द्वारा की गई है, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा की गई है, इसने टॉप 5 जिलों को अपना स्थान चुना, ठीक है, टॉप 5 जिलों को चुना जिसमें कि बिहार के 2 जिले और झारखंड के 3 जिले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले करंट की तरफ चलते हैं, आपका समय ना गवाए हुए बिल्कुल भी। और बिहार में मेजांत्री गणना, यहाँ भी थोड़ा सा एरर हुआ है दोस्तों, यहाँ से बिहार में जाति गणना के दूसरे चरण का शुभारंभ, बिहार में जो जातीय गणना हो रही थी जिस पर अभी हाल ही में रिसेंटली करंट आपको बता रहा हूँ, पटना हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, जाति जनगणना पे पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, ठीक है। तो जो दूसरा चरण चल रहा था उसका, उस पर बिहार ने रोक लगा दिया है। अब बात करते हैं कि इसमें और किस बात की चर्चा की गई है, तो 15 अप्रैल 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 2,59,00,000 परिवारों की, कभी कभी आपसे पूरी पॉपुलेशन पूछ लेती स्टेट की, तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा नोट करके रखेंगे, परिवारों की जाति आधारित गणना की शुरुआत बख्तियारपुर स्थित अपने पुश्तैनी घर जाकर परिवार के सभी आंकड़े दर्ज करवाकर किए। मतलब सीधे सीधे बात ये हुआ, कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है जो न्यूज़ में है कि जाति जनगणना के दूसरे चरण का शुरुआत प्रारंभ कहाँ पे हुआ, तो याद रखिएगा किस स्थान से हुआ, तो सिर्फ आपको यही पूछा जा रहा, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बख्तियारपुर। सबसे पहले मुख्यमंत्री साहब ने अपने ही गांव के, अपने घर का, अपने पुश्तैनी घर का जो भी उनका, अपने परिवार का ही डाटा दिया और वहीं से उन्होंने जाति जनगणना का सेकंड फेज स्टार्ट कर दिया। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो जाति जनगणना का यह दूसरा चरण 15 मई 2023 तक चलेगा। ये जो चरण था, इसको जो टाइम पीरियड था, 15 मई 2023 तक था, लेकिन अभी इस पर फिलहाल मैंने आपको बताया कि इस पर पटना हाईकोर्ट की रोक लग गई है।
पूरे राज्य में 5,19,000 कर्मचारी लगाए गए हैं करने के लिए, मतलब इसके लिए जो कर्मचारी लगाए गए हैं कुछ स्कूल शिक्षक से लेकर जो भी इसमें क्या कहते हैं उनको कर्मचारी लगाए गए हैं उसमें 5,19,000 के आसपास उनकी संख्या है। इस चरण में राज्य के समस्त परिवारों से 17 प्रकार की जानकारी मांगी जा रही है। जो जाति जनगणना हो रही है दोस्तों, इसमें कुल मिला के हर एक परिवार से 17 प्रकार की जानकारी मांगी जा रही है और प्रत्येक जानकारी के लिए एक कोड निश्चित किया गया है जिसे ऐप पर दर्ज किया जाएगा। कहने का तात्पर्य साफ साफ ये है कि जो जाति जनगणना हो रही है वो टोटली डिजिटल माध्यम से हो रही है, ठीक है। 17 ब्यौरा मांगा गया है और हर एक ब्यौरे के लिए एक इनका अपना एक निश्चित कोड है, ठीक है, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। उल्लेखनीय कि बिहार में जाति गणना का अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें, गणना का प्रथम चरण 7 से 22 जनवरी के मध्य चला। इसमें लोगों के मकानों की एक जानकारी एकत्रित की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या गया था जो मैंने आपको बता दिया, ये इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट कहाँ से हुआ, बख्तियारपुर से हुआ, वहाँ पे आपके सीएम का घर, उन्होंने अपने घर से ही किया। उसके साथ इसमें कितने कर्मचारी लगे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, और जो स्टार्ट ये था जिस पर अभी रोक लगा दी गई है आप लोग इसको भी थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं, और कितने प्रकार की है इसमें इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग आगे अगले करंट की तरफ, और इसमें बहुत कुछ नहीं है आपको बताने होगी, बहुत डीप हो जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या करें मैं अभी लास्ट में बता दूंगा। आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, चंद्रा क्लासेस प्रयागराज के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो अंत में क्लास के अंत में मैं आपको शेयर कर दूंगा वो लिंक, आप वहां से भी जुड़ने के साथ ये पूरा पीपीटी आपको डेली का डेली वहां पे करंट का मिल जाया करेगा, तो आप लोग चाहें तो वहां से भी ले सकते हैं। बिहार की अंजनी ने संभाला फेंक में जीता स्वर्ण, मतलब जो अंजलि जी हैं, ठीक है, इन्होंने भाला फेंक जेवलिन थ्रो में, जैसे जो नीरज चोपड़ा का नाम पता होगा जो ऑलरेडी जेवलिन थ्रो में अर्थात भाला फेंक में गोल्ड मेडल लेकर आए थे, तो बिहार की जो अंजना हैं उन्होंने गोल्ड जीता। ये कब हुआ, ये आपका हुआ 15 अप्रैल 2023 को बिहार के जमुई की अंजनी कुमारी ने बंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्राउंड पिक्स 2023 में भाला फेंक में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सिर्फ आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या देखा आपने, बिहार के जमुई की, ये बिहार के जो जमुई जिला है, गांव है, ठीक है, वहाँ की अंजना कुमार ने बेंगलुरु में आयोजित जो इंडिया ग्रांड प्रिक्स सीजन 4 2023 में उन्होंने भाला फेंक में गोल्ड पदक जीता, ये इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके साथ इनका देखा जाए तो इन्होंने जो वर्ग था महिला वर्ग में कितना 47.03 मीटर दूर भाला फेंकर तमिलनाडु की हेमा मालिनी नीलाकंठा को, ये भी कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है, जीतने वाला का तो हमें याद रखना है, इसके साथ साथ हमें हारने वाले का भी याद रखना होता है कि उन्होंने किसको डिफीट किया, किसको हराया। तो तमिलनाडु की हेमा मालिनी की नीलकंठा अर्थात उनका जो स्कोर था दोस्तों 46.27 मीटर था, और राजस्थान की उमा चौधरी जिनका स्कोर था 45.73 मीटर, और असम की रुनझुन पेगू 43.62 को हराकर सफलता प्राप्त की। कहीं ना कहीं ये जो चार कंटेस्टेंट थे, चार प्रतिभागी थे, इन चार प्रतिभागियों में जो चर्चा की गई थी दोस्तों, आप अंजनी का तो नाम याद रखेंगे क्योंकि इन्होंने सबसे स्टार मतलब ज़्यादा स्कोर किया, और इसके साथ सेकेंड प्लेस पर, ये फर्स्ट प्लेस पर रहीं और ये सेकंड स्थान पे रही हमारी हेमा मालिनी नीलकंठा जी। राजस्थान की उमा चौधरी थर्ड पे रही और हम असम की रुनझुन पेगू फोर्थ प्लेस पे रही। तो ये रहा इनका स्कोर कार्ड जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसके अवसर पर बहुत कुछ बात नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं, अगले करंट की तरफ चलते हैं हम लोग बिना समय गवाए, और आगे देखते हैं दोस्तों। दरभंगा में बनेगा बिहार का दूसरा एम्स। कहाँ बनेगा इसको तो आप बिल्कुल लिखिए। बिहार में सबसे ज़्यादा जो समस्या है दोस्तों वो भुखमरी की है और आपका हेल्थ सेक्टर की देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में
अभी भी चिकित्सा का विकास उतना नहीं हो पाया है जितना कि वहाँ की उम्मीद की जाती है, और कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा हुआ अभी भी है, और अभी भी बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो कहीं ना कहीं जो दूसरा एम्स बन रहा है दोस्तों, वो कहाँ पर बन रहा है? हमारा बिहार में बन रहा है, और कैबिनेट ने तीन अरब से अधिक राशि की प्रशासकीय स्वीकृति देने की मंजूरी दे दी है। यहाँ पे दो पॉइंट आपको नोट करना है। पहला पॉइंट ये कि बिहार के दरभंगा ज़िले में दूसरा एम्स बनने जा रहा है, और दूसरी बात इसके लिए जो बजट राशि प्रस्तुत की गई है, दोस्तों वो आपकी 3 अरब से अधिक की बजट राशि ऑलरेडी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब चलिए 18 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए 3 अरब से अधिक राशि का उसको मंजूरी दे दी गई है। इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं इसमें और किस बात पे चर्चा है। आगे देख लेते हैं जो इसका मेन पॉइंट है, प्रमुख बिंदु क्या है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि दरभंगा एम्स के लिए आवंटित भूमि समतलीकरण एवं विकास बिहार सरकार 309 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल ने दरभंगा एम्स की स्थापना के उद्देश्य से बहादुरपुर अंचल अंतर्गत शोभन एक्मी बाईपास के निकट मौजा बलिया में कुल 189.17 करोड़ एकड़ भूमि से मिट्टी भराई का और समतलीकरण का राशि दिया गया। साफ साफ यहाँ पे यह है कि जो एम्स बनाने के लिए मिट्टी भराई का काम होगा उसके लिए कितना टेंडर, कितने का मतलब बात की गई है, कितने भूमि से मिट्टी की भराई की जाएगी, ये सब कुछ किया गया। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना है, जो मेन मोटा मोटा अगर हेडिंग की बात करें तो बिहार के किस जिले में दूसरा एम्स बन रहा है, कितना किस में दरभंगा बन रहा है, उसके लिए कितनी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, कितना पैसा पास किया, कितना फंड जारी किया हुआ, तो लगभग 3 अरब से अधिक। इतनी बात है, आप लोग इसमें याद रखिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसमें और देखते हैं पॉइंट। दूसरा तो हमें पता है, लेकिन पहला कहाँ है हमारा? पहला हमारा एम्स पटना में है। बिहार का पहला एम्स कहाँ पे है? अभी तो हम लोग दूसरे की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा पहला एम्स कहाँ दोस्तों? तो पहला एम्स हमारा पटना में है, और मार्च 23 के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री अध्यक्षता वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए शोभन एक्मी बाईपास के निकट भूमि आवंटित करने का भी मंजूरी दे दिया गया है। सीधे इसमें बहुत कुछ नहीं है, इसमें उसका बताया गया कि हाँ कहाँ से कितनी मिट्टी डाली जाएगी, उसके लिए कितनी ज़मीन कहाँ से मिलेगी। तो आपको तीन चीज़ याद रखना है। क्या पहला हमारा कहाँ है? पटना में एम्स है। दूसरा कहाँ हमारा? दरभंगा में बन रहा है, जिसके लिए ऑलरेडी कैबिनेट ने पास कर दिया हो, बजट भी पास कर दिया हुआ है, और सिर्फ इतना ही। आगे चलिए हम लोग देखते हैं अगले करंट की तरफ। बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को मिलेगा जीआई टैग। कल इसकी मैंने फर्स्ट वाले में भी हमने चर्चा किया था, जीआई को जियोग्राफिकल इंडिकेशन के नाम से जानता था, जीआई टैग के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। 23 अप्रैल 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के प्रसिद्ध मिठाई, जो मिठाई दोस्तों यहाँ पे खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को, ये तीनों नाम याद रखिएगा, खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को जीआई टैग देने संबंधी आवेदन को प्रारंभिक जांच के बाद स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको नोट करनी है, बिहार के तीन खाद्यान्न पदार्थों को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें खुरमा है, बालूशाही है और आपका तिलकुट है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि जानकारी के अनुसार भोजपुर जिला के उदवंत नगर का खुरमा, कहाँ का ये खुरमा भाई? तो भोजपुर जिले का के उदवंत नगर का खुरमा, गया का तिलकुट, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर करेंगे, गया जो जिला है उसको वहाँ का तिलकुट, और इसके साथ हमारा सीतामढ़ी का बालूशाही, हाजीपुर का
प्रसिद्ध चीनिया केला, हाजीपुर का केला नाम सुना होगा आप लोगों ने, नालंदा की मशहूर बावन बूटी कला और गया की पत्थर केटी कला को जीआई टैग देने की मांग को मंजूर हो गई है। ये तीन चीज़ों को, मतलब जितना भी मैंने आपको नाम लिया इन सबको, ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ ये लाइन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ठीक है। अर्थात हाजीपुर का केला भी है इसमें, नालंदा की मशहूर बावन बूटी कला भी है और पत्थर, गया की पत्थर केटी कला भी है जिसको जीआई टैग देने की मंजूरी मिल गई है। तो इतनी बात आप लोग याद रखिएगा, इनका स्थान भी आप लोग याद रखेंगे, उसके बाद और कुछ नहीं है इसमें, आगे चलते हैं, अगले की तरफ चलते हैं। बिहार में 445 किलोमीटर फोर लेन को केंद्र की मंजूरी, अर्थात केंद्र सरकार ने भी क्या कर दिया यहाँ पे, यह आप लोग इम्पोर्टेंट रखिएगा, जो हमारे केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री कौन है इस समय, नितिन गडकरी साहब के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पे बिहार राज्य को जो दिया गया है दोस्तों, बिहार राज्य को जो दिया गया है 454 किलोमीटर फोर लेन की मंजूरी बिहार के द्वारा, मतलब बिहार में दे दी गई है। 25 अप्रैल 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार ये बताया गया है कि केंद्र सरकार ने बिहार में 454 किलोमीटर, कितना दोस्तों, 454 किलोमीटर के फोर लेन को मंजूरी दे दी है। ये फोर लेन विभिन्न इलाकों से होकर गुजरेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें मेन पॉइंट क्या था, चलिए मुख्य बिंदु क्या है। भारत नेपाल सीमा से सटे वाल्मीकि नगर से झारखंड सीमा के हरिहरगंज तक, ठीक है, 454 किलोमीटर का एक नया फोर लेन होगा। ये जो 454 किलोमीटर का जो नया फोर लेन बनेगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। भारत नेपाल सीमा से सटे वाल्मीकि नगर, कहाँ से, ये वाल्मीकि नगर से झारखंड सीमा के हरिहरगंज तथा हरिहरगंज तक बिहार में 454 किलोमीटर का जो पास हुआ है फोर लेन, इसकी चर्चा की गई है। फिर इसमें कहा गया है कि फोर लेन पटना के नौबतगंज के हरिहरगंज तक 143 किलोमीटर नेशनल हाईवे 98 को केंद्र ने फोर लेन में कन्वर्ट करने की भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे चर्चा की गई थी दोस्तों, जो पटना के नौबतपुर से हरिहरगंज तक का जो 143 किलोमीटर का नेशनल हाईवे था, उसको 98 को केंद्र ने क्या कर दिया हुआ है, फोर लेन बनाने की भी मंजूरी यहाँ पे दे दी गई है। फिर बात की जाए इसमें, तो अभी नेशनल हाईवे 98 की चौड़ाई कुल 2 लेन की है। अब इसमें बहुत ज़्यादा डीपली है जो नेशनल हाईवे NH 98 की जो वर्तमान जो चौड़ाई है दोस्तों, 2 लेन की है, लेकिन अब इसको भी क्या किया जाएगा, 4 लेन किया जाएगा इस योजना के तहत, जो हम आपको मैंने अभी आपको केंद्र ने बताई। उसके साथ सोन नदी के पूर्वी छोर से बिल्कुल पास होकर गुजरता है जो आपका NH 98 है दोस्तों, ठीक है, ये सोन नदी के पूर्वी छोर से बिल्कुल पास होकर गुजरता है और ये नेशनल हाईवे विक्रम अरवल औरंगाबाद और अम्बा होते हुए हरिहरगंज तक पहुंच जाता है। तो इसकी यहाँ पे इतनी चर्चा की गई थी। बहरहाल आपको सिर्फ इसमें इतना रखना है कि जो मंजूरी दी गई है उस कितने किलोमीटर की है, किसके द्वारा दी गई है, तो केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें जो बात ये कहाँ से कहाँ तक का, तो ये ज़्यादा से आपका इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार किया जाएगा, अर्थात भारत नेपाल सीमा सटे वाल्मीकि नगर से लेकर झारखंड के हरिहरगंज तक का इसका विस्तार किया जाएगा, फोर लेन किया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, और इसके लिए जो फंड जारी किया गया है दोस्तों 1,38,00,000, इसके लिए जो फंड जारी किया गया है आपका 1,38,00,000 की राशि भी स्वीकृत कर ली गई है। मतलब इसके लिए ये जो फंड जारी किया गया, सिर्फ आप लोग इतना याद रखेंगे, 1,38,00,000 का फंड जारी कर दिया गया है, ठीक है। इसके साथ ही और कुछ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है यहाँ पे, बहुत अंदर की बात है यहाँ से। फिलहाल आप इतना इसमें देखें, आगे चलते हैं। दोस्तों IIT पटना और RyNet Solution के बीच हुआ MOU,
एक अभी हाल ही में एक हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है, किसके किसके बीच में, आईआईटी पटना और एनेट सॉल्यूशन के बीच में, यह हुआ आपका 27 अप्रैल 2023 को। आईआईटी पटना ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर राइनेट सॉल्यूशन के साथ एक एमओयू साइन किया हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया दोस्तों, जिसमें किस बात की चर्चा की गई है, जिसमें आईआईटी पटना जूप जिसमें जिसके इसके तहत आईआईटी पटना जूप जूम व्हाट्सएप एवं गूगल पे जैसे स्वदेश प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। ये जो एमओयू साइन हुआ है इसमें किस बात की चर्चा की गई है, मेनली इस बात की चर्चा की गई जिसमें आईआईटी पटना क्या करेगा, जूम व्हाट्सएप और आप देखेंगे तो गूगल पे जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म को ये क्या करेगा, विकसित करेगा आईआईटी पटना। इसके साथ ही और कुछ बातों को हम लोग देखते हैं दोस्तों, और बात क्या करें राइनेट सॉल्यूशन जो है आपका के प्रबंध निदेशक, इसके जो एमडी हैं राइनेट सॉल्यूशन के जो एमडी हैं समीर माथुर, इनका नाम याद रखिएगा समीर माथुर, और आईआईटी पटना के जो निदेशक हैं प्रोफेसर टीएन सिंह। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसमें क्या कहा गया है, इसमें मेनली ये कहा गया है आईआईटी पटना क्या करेगा, गूगल पे हुआ व्हाट्सएप हुआ या जूम ऐप जो हुआ उसको डेवलप करेगा, और इन्होंने राइनेट सॉल्यूशन के जो एमडी हैं अर्थात समीर माथुर ने क्या किया, आईआईटी पटना के जो हेड हैं डायरेक्टर हैं टीएन सिंह ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर लिया हुआ है। तो ये दोनों नाम भी आप लोग याद रखेंगे, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। इसका जो निदेशक जो है प्रोफेसर टीएन सिंह जो हैं, टीएन सिंह ने कहा आईआईटी के जो प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य अत्याधुनिक समाधान विकसित करना तथा शोध की दिशा में बेहतर काम करना है, शोध की दिशा में बेहतर काम करना इसका मुख्य लक्ष्य है। राइनेट सॉल्यूशन और आईआईटी पटना संयुक्त रूप से अगले तीन वर्षों के डिजिटल पेमेंट धन प्रबंधन और सीमा पार भुगतान सुरक्षित ऑडियो वीडियो को कॉन्फ्रेंसिंग और उन्नत टेक्नोलॉजी के प्रयोग के क्षेत्र में कार्य करेंगे। कहने का मतलब ये बहुत अंदर की बात है, आपको सिर्फ इतनी ही बातें जो मैंने आपको बताई इतनी बातें आपको याद रखनी है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो चलिए आगे चलते हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसमें सिर्फ इसी बात की चर्चा की गई थी, ठीक है, इसमें सिर्फ इसी बात की चर्चा की गई थी दोस्तों। अब हम फिर से बात करते हैं थोड़ा सा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग क्या करें, सीधे जो भी बच्चे अभी बिहार शिक्षक भर्ती का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं आप लोग, तो उसका जल्दी से जल्दी आप लोग ले लें, इसका सिलेबस ऑलरेडी आउट कर दिया गया, अभी कुछ टॉपिक्स नोटिफिकेशन आना बाकी है, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या करें, सीधे चंद्रा क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से जाएं, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेकंड स्टेप में आप लोग टाइप करें चंद्रा क्लासेस प्रयागराज, चंद्रा क्लासेस प्रयागराज का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और एप्लीकेशन डाउनलोड जैसे ही करेंगे इसमें कुछ नहीं करना, सुबह में बहुत लड़कों का फ़ोन आया था मुझे, कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें हो रही थी एप्लीकेशन को लेने में, ठीक है, तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, प्ले स्टोर से जाइए चंद्रा क्लासेस प्रयागराज का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करिए, जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहाँ पर तो उसमें खुल कर आएगा बिहार शिक्षक भर्ती, उसी पे आप लोग क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें डिस्काउंट कोड चल रहा है दोस्तों, सत्येंद्र H23 को आप जैसी कूपन कोड डालेंगे तो आपको जो फीस है, आपका जो फीस है दोस्तों कितना हो जाएगा, फिर से बता रहा हूँ, फीस जो आपका 2500 फीस है ये कट होकर 2500 जो आपकी फीस है ये कैंसिल होकर आपको तुरंत कितने मिल जाएगी, 1500 रुपये में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ का कूपन कोड है, आप लोग चाहें तो इसको लेकर अपनी फीस नॉमिल करा सकते हैं, और इसके साथ ही आप लोग यहाँ के व्हाट्सएप
ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो भी बच्चे बिहार शिक्षक भर्ती में लगे हैं, जो भी बच्चे बिहार शिक्षक भर्ती में लगे हैं उनके लिए यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, और जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि जो भी मैं PPT पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उस जो भी मैटर मटेरियल होगा कुछ ना कुछ, तो उसमें आपसे जाता रहेगा, जो भी सूचना रहेंगी आपको उसमें प्रेषित कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, इसका जो ग्रुप है दोस्तों, इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, एक बार मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखें। चलिए, तो हमने किसकी चर्चा की, आपका 92 जो आपका नंबर है 92649192649153 आपका ये नंबर है, यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर भी, और आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना भी है, ठीक है, जिस पर आपकी जो डेली करंट अपडेट होंगी या जो भी सूचना होंगी, जो भी मटेरियल्स होंगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जो लोग भी अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दें, और हम लोग अपना बैच लॉन्च कर चुके हैं, आपको क्लासेस भी मिल रही हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी, और जैसा भी आपका सुझाव हो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, चलिए नमस्कार, जय हिंद।